सहेलियों ने लिया प्रेमी से बड़ा इंतकाम, चाइनीज टॉर्च से किया काम तमाम, दो लड़कियों को किया गया गुमराह, गन्ने के खेत में उतार दिया मौत के घाट। फिल्म गरम मसाला में दिल फेंक अक्षय कुमार अलग अलग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है और उनको गुमराह करके रखता है। खैर, ये तो कहानी रियल लाइफ की थी, लेकिन यूपी के अंबेडकर नगर जिले में ऐसा ही कुछ हुआ रियल में। जिले के समनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले संदीप चौहान नाम के युवक को पड़ोस में रहने वाली एक युवती से इश्क हो गया। कुछ दिन तक तो दोनों के बीच प्रेम खूब परवान चढ़ा, फिर एक दिन एक और युवती की एंट्री हो गई। दरअसल संदीप का दिल अपने प्रेमिका के पड़ोस में रहने वाली एक और युवती पर आ गया। संदीप दोनों के साथ प्रेम की पींगे हांकने लगा, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, राज खुला तो फिर दोनों युवतियां साथ हो गई और उन्होंने संदीप को सबक सिखाने की ठान ली। दोनों ने संदीप को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया, क्योंकि आरोप ये था कि संदीप ने दोनों युवतियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। समाज में बदनाम करने की धमकी देकर संदीप ने 25 अगस्त को दोनों को गांव में गन्ने के खेत पर बुलाया। यहीं पर बेवफाई की कहानी का अंत हो गया। इंतकाम लेने की आग में झुलस रही दोनों युवतियों ने चाइनीज टॉर्च से संदीप का काम तमाम कर दिया। उन्होंने संदीप के सिर पर पीछे से चाइनीज टॉर्च से तब तक वार किए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। थाना संबलपुर अंतर्गत कल दिनांक 26 अगस्त को एक मॉर्निंग में गन्ने के खेत में एक युवक का शव प्राप्त हुआ था, जिसकी तत्काल पहचान नहीं हो पाई थी। इसमें तीन टीमों का गठन किया गया था। टीम ने अथक परिश्रम करके इसमें उसकी पहचान कराई। पहचान के पश्चात उनके परिजनों से वार्ता करने पर यह पता चला कि दो महिलाओं ने मिल करके इस घटना को कारित किया है। इसमें तकनीकी आधार पर इसको चेक किया गया, उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई, तो घटना पूरी तरह इन दोनों महिलाओं के द्वारा कारित की गई है। इन दोनों महिलाओं से आला कतल चाइनीज टॉर्च, मृतक का मोबाइल, मृतक का पर्स बरामद किया गया है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बेवफाई में हुई कत्ल की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। दरअसल 26 अगस्त को संदीप की गन्ने के खेत में अर्धनग्न लाश मिलने के बाद परिजनों से पूछताछ शुरू की गई, तो संदीप के भतीजे से पुलिस को लाइन मिल गई। उसने पुलिस को बताया कि चाचा गांव में रहने वाली एक लड़की से मिलने के लिए गए थे और फिर उनको वही छोड़कर आया था, जिसके बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया और फिर उसके बाद ये हत्या की गुत्थी सुलझ गई।